नमस्ते वन, मैं हूँ सभी आकाश तिवारी एंड आज हमारे साथ वन ऑफ इंडियाज फाइनेस्ट ग्रफिटी आर्टिस्ट है। वेल, हम लोग ने इसके पहले भी पॉडकास्ट कर चुके हैं बट आज मैं उसको बोलने वाला हूँ। टू यू नो, आई एम गोना टच फ्यू फेजेस ऑफ हिज लाइफ एंड आई एम गोना आस्क हिम टू यू नो टेक मी थ्रू दोस जर्नी जो उसकी ग्रफिटी जर्नी है। ही इज माई फ्रेंड मूज एंड अगर तुम लोग को ये चीज पसंद आए डू कमेंट समथिंग बिकॉज जैसे ही तुम लोग कमेंट करते हो वैसे ही यूट्यूब पे वीडियोज को पुश करता है। और अगर एंड अगर YouTube पे वीडियोस को पुश करेगा और लोग देखेंगे तो मुझे भी बड़ा हेल्प होगा एंड मैं और भी ऐसी चीजें क्रिएट कर पाऊंगा। सो आई होप यू लाइक इट, ग्रफिटी स्टोरीज विद मूज एंड मंगूज। तो गेम बजाना पड़ेगा। सबसे पहला क्या सीन है ना, जब ग्रफिटी स्टार्ट किया था 2012 में, तभी मेरे आसपास कोई रहता नहीं था, मतलब एक बंदा था वैसे ही में, तो हम लोग दोनों एक साथ पेंट करते थे बट वो फिर बाद में इनएक्टिव हो गया। तो फिर मैं फेसबुक के थ्रू से एक और ये लोग से मिला और ये लोग ने बोला था देयर इज अ ग्रफिटी जैम हैपनिंग इन मुंबई ऐसा ऐसा, तो यू शुड कम। तो मैं फुल एक्साइटेड हो गया हालांकि, और तभी ऐसा इंटरनेट पे ग्रफिटी जैम मतलब देखा था, प्रॉपर इवेंट्स ऐसा म्यूजिक रहेगा, लोग ऐसा पेंट कर रहे हैं, कैमरा से शूट ऐसा मेरे को लगा। तो मैंने घर पे बोला कि ऐसा ऐसा ग्रेफिटी का इवेंट है पापा को कि मैं जा रहा हूँ, बोलते हाँ जा जा, और फिर फुल ड्रेसिंग मार के गया ना। मैं वही सोच रहा था, तू एकदम छावा बन के गया होगा। उधर गया और उसने मेरे को नाम बोला था देखने की पाम बीच स्कूल करके, पाम बीच स्कूल वाला की स्कूल और साउथ बॉम्बे साइड है वाला की, उसको भारी इवेंट गया मैं। और वो ऐसा था, अरे जोम्बा के लिए कर रहे हैं, जोम्बा एक न्यूज आर्टिकल है ऐसा कुछ तो था। तो मेरे को लगा मतलब लेजिट इवेंट है ऐसा कुछ मेरे दिमाग में आया वैसा। फिर गया ना मैं, तो ऐसा गया तो पूरा एक खंडर बिल्डिंग है और उधर ऊपर से मेरे को से एक खाती कर रहे हैं, बोला कि अरे किधर है ये। फिर मैं बोला गया ऊपर के फ्लोर पे, सब लोग सब आर्टिस्ट लोग हैं, सब लोग हाफ पैंट में, सब लोग ऐसा पेंट कर रहे हैं। और क्या ग्रफिटी इवेंट है ब्रो, स्टेप अप स्टेप अप। ये फेक है। ओह शिट ब्रो, अभी कैसा लगता है ब्रो? फक, ये फेक है, ये मैं था, मैं फुल ऐसा कैप पे एडम सिवानी देख रहे हैं। फिर बाद में स्टैक टू, ये बहुत सही आर्टिस्ट था, वो बहुत सही मतलब है, अभी नहीं करता वो, अभी वो इनटू पूरा वो काम में गया, बट ये तभी मतलब मेरे को लगता था कि ये तभी एकदम बेस्ट उसका लाइन साइंस वो टाइम पे बाप था। और सब लोग ये रेस है, ये पिंक है जो मेरे साथ करता था वो सही में, और ये मेल है, मेल रॉय पता देखो मूरॉन। हाँ, आई थिंक सो, तेरे लाइव में देखा है मैंने इसको किसी को। और ये सन वन है, ये इसने भी छोड़ दिया अभी, इसने और देखने साथ में स्टार्ट किया था, ये लोग जर्मनी गए थे दोनों। और तो ये मैं फुल एक्साइटेड हो गया था कि अरे यार सही सही सब लोग कर रहे हैं, और मेरा इतना कुछ स्पे कहने के में होल्ड नहीं था, रहे लोग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था पेंटिंग सबका। और मैंने निकाला कैंस और मैं कोई तो ये लोग में से कोई तो मेरे को होता है पूरा कैंस ही करने वाला है, इतना पैसा है क्या तेरे पास? बोला कि क्या कैंसिल करने वाला मतलब, तो बोलता है कि अरे ब्रो डिस्टेंपर से फिलिंग करने का और फिर उसके ऊपर कैंस मारने का बचाने के लिए। मैं बोला अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर तभी मैंने वो लोग से लिया था, ये फीस बनाया था। गंदा था तभी मतलब, तभी सही लग रहा था। और है ना ये देख, ये जो है ना ये सब मैंने अंदर फील किए, तो फिर भी मैंने कैंसिल ही किया था, ये थोड़ा वो जो ब्लू वगैरह है ना वो मैंने किसी डिस्टेंपर लिया था। और तभी क्या हो गया था, मेरे को ऐसा कैन मारने भी फट रही थी वे, ऐसा लाइन भी नहीं आ रहा था, तो देख सकते लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। वो का लाइन देख इतना मोटा है ऐसा, इतना पता ही नहीं था कैसे यूज करते है। तो उधर जो श्रवण था ना, जो स्टैक टू है, वो एकदम ब्रो एकदम स्मूथ मतलब प्रोफेशनल जैसे करता था वो टाइम पे, तो मैं उसको देख रहा हूँ मतलब की ब्रो मेरे को सिखाना तू कैसे करता है। उसने को ऐसा करके वर्के कुछ नहीं दिया, बोला कि ब्रो ऐसा पकड़ और डर मत सीधा मार, डिस्टेंस ये रख वो रख ऐसा उसने बोला। और तभी फिर मैं कर रहा था बट कुछ हुआ नहीं, सब घान हो गया इधर वाइट मैंने कैसे like, वो लोग तेरे को देख के हंस रहे थे, क्या कर रहे थे लोग? नहीं हंस रहे नहीं थे बे, क्योंकि सब लोग तेको देखिए सब ये इतने आर्टिस्ट सब ये फुल पाप लग रहा था यार, सबके साथ मेरा नाम है मूज रहे। oh, सब ये सब मुंबई वाले थे ठीक है, और ग्रफिटी एकदम नया था, किसी को पता भी नहीं था ये मैंने लिखा था। Fuck FB, we write on real world. इतना गंदा क्रिंज वाला we write on real world. ब्रो मैंने मेरे चैट्स देखे ना पुराने, ऐसा हम जाते हैं ना फेसबुक पे कभी अपन देखते हैं, तो मैं ऐसे सब लिखता था कॉलेज में ब्रो, वो TYSM हां यू को ऐसा और कुछ भी और एकदम गंदा शिट। और देखो दिखा था वो कोई हंसा नहीं मैं को, क्योंकि ये जेक देख जेक का पीछे ये पीछे ठीक है, जेक का सेड देख कैसा है मतलब, ये सेड जो अभी जेक को दिखाया ना तो जेक बोलेगा कि मैंने क्या बनाया था करके, तो कोई ऐसा हसरा नहीं था क्योंकि सब लोग बिगिनिंग स्टेज में थे, तो अभी जेक का आर्टवर्क देखेगा जेक तो अलग लेवल पे बहुत कॉम्प्लेक्स है देखा ना, तो ये जैसा कोई हसरा वसरा नहीं, सब लोग को पता है वो लेवल पे सब लोग वैसे ही कर रहे थे, बट मेरे को डर लग रहा था कि कैन
फिर भी अभी ये लोग का तो कैन कंट्रोल देख ना, मतलब ये सनवन है साइड में, ये लोग का लाइन कितना अच्छा है, अच्छा था मेरे को उधर, तभी लाइन भी मारने नहीं आता था। ब्रो बट ये तेरे लिए कितना आइकॉनिक होगा ना, लाइक तुझे ये कितना वो टाइम में कितना पसंद आएगा ना, अरे ब्रो मेरे को प्रोफाइल पिक्चर होगा ना ऐसा, मतलब वही पोज वही और हाँ हाँ वही। अरे देखना मैं फुल जीन्स वीन्स पहन के, शूज वूज पहन के गया था चाची का। और तभी क्या सीन बताया गया, अरे जब भी जेक ने मेरे को मैसेज किया था ना कि ब्रो यू शुड कम पेंट विद अस, तो ये तो फुल एकदम ऐसा सेवन क्लाउड पे था, मतलब कि शिट। तभी ऐसा ये लोगों को मैं जब एज एन आइडल देखता था, एक तो अभी भी आइडल ही है, बट सब लोग थे जैसे पता नहीं, मिले नहीं थे ना कभी, सिर्फ फेसबुक पे देखा था, ऐसा था शिट यार ये लोग 1 साल पहले से कर रहे थे मेरे, मैंने ये लोग को देख के चालू किया ये रेस, तो ऐसा मेरे लिए तो बहुत आइकॉनिक था वो लोग से मिलना ही। और तब का अलग ही था ब्रो सीन का। मेरे पास अभी है ना ये इवेंट का ज्यादा फोटोज नहीं है रे, मैंने ढूंढा जेक के पेज पे भी ढूंढा, एनिमी के पे, एनिमी तो आया नहीं था ये इवेंट में, तभी मैं एनिमी से मिला नहीं था। मेरे को ये इवेंट का और फोटोज मिलता ना, वो एक्चुअली आर्टिकल भी पता नहीं किधर गया, मैं नेट पे ढूंढा था बट नहीं मिला वो आर्टिकल। डैम ब्रो डैम, लाइक आर यू गाइस स्टिल कनेक्टेड हो, जितने भी पैक है पूरा? हाँ सादा नहीं, अभी देख इसमें से तू देखने जाएगा ना तो एक्टिव कौन है पता है, हम लोग 3 लोग, मैं जेक और मेलरॉय, हम लोग तीनों मोस्ट एक्टिव है, और रेस भी एक्टिव है, बट रेस का पता नहीं, रेस शायद ऑफलाइन है पूरा, सोशल मीडिया पे नहीं है, तो शायद वो पेंट वेंट कर रहा है, बट उसका पता नहीं क्या सीन है। बाकी डैम मैन, हाँ बाकी सब लोग तो मेरे शायद कांटेक्ट में नहीं है, अक्षय सब अपने जॉब में बिजी हो गए रहे फेश सब। यार, दीज आर द गाइस जो एक्चुअली मतलब बिगिनिंग बिगिनिंग स्टेज में थे यार, और उन लोग वही अभी वही हाँ वही वही। अभी मेरे को ये अक्षय वगैरह भी बोलते हैं ना कि सही कर रहे हो तुम लोग, तो मैं बोलो वही बोलता हूँ कि यार अपने को साथ में पेंट करना चाहिए, वो टाइम का आना जाना, वो टाइम पे करते थे तो डैम आप भी करना चाहिए, एक सही जैम हो जाएगा सब एक साथ, तो मैन सही है। सो क्या क्रेजी है एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी ये पिक्चर डिजाइन कर। हाँ एग्जैक्टली। फिर नेक्स्ट फेज आया था ना हम लोग मेरा कैसा है, उसके बाद फिर हम लोग ऐसा पेंट पेंट कर रहे थे, तू देखे यार एक ऐसा ऐसा ये सब पीस बनाना था तभी के टाइम सा सब लड़की, ठीक है एकदम, ये मैंने एक डूडल कैरेक्टर बनाया था, सब लोगों को लगता था कि ये क्वांटम बनाया फक मेरा भी फर्स्ट 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 सेशन थोड़ा सही मेरे था। मेरे दिमाग में वो आया ही नहीं कभी, मतलब लिटरली फोटोज खींचने के बाद भी नहीं, जब मेरे को एक दो जन ने बोला ना कि क्वांटम क्यों बनाया, मतलब शिट, मतलब ये पर्सपेक्टिव से तो मैंने कभी देखा ही नहीं, मैं डूडल कैरेक्टर ही सोच रहा था उसको बट वो देखा। लग रहा वैसी है ब्रो एक्चुअली वो हाँ कौन वो अब वो तो सा। अभी भी ऐसा ही लग रहा है, ठीक है बट ऐसा सब पीस बना रहा था। तो बाद में क्या हुआ, जब भी हम लोग को है ना आईआईटी, आईआईटी में फेस्ट होता है ना टेक फेस्ट, तो तभी वो लोग आईआईटी वाले यूजुअली हर साल आर्टिस्ट लोग को इनवाइट करते हैं, तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी रहते हैं और इंडियन आर्टिस्ट भी रहते हैं उसमें, तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट तो हमेशा बाप बाप आते हैं, तो 1 साल ब्राजील से क्रू आया था पूरा, ठीक है कीप इट रियल करके था, मतलब 2-3 अलग अलग क्रू के लोग मिलके वो लोग एक साथ आए थे, कीप इट रियल वो लोग का नाम था, फिर बुयू वगैरह दोस्त हो गए बाद में, तो तभी वो लोग का हम लोग ने आर्टवर्क, तभी मैं गया नहीं था, तभी मेरे फ्रेंड्स गए थे उधर, और मैंने तभी फोटोज देखा, मतलब कि शिट ये लोग तो मतलब एकदम जो अपन नेट पे आर्टवर्क देखते हैं ना, मतलब गॉड लेवल ग्राफिटी कर रहे हो लोग, और अपन ये लेवल पे हाँ अपन, तभी हम लोग का ऐसा ऊपर ऊपर पहचान हुआ, और फिर नेक्स्ट ईयर वो लोग शायद वापस आए, तो हम लोग को वापस चांस मिला नेक्स्ट टाइम, फिर एक साथ पेंट करने का चांस मिला, और लोगों ने बोला कि वी हैव आवर फ्रेंड्स, ऐसा ऐसा हम लोग एक साथ करेंगे, तो तभी ये इतना बड़ा वॉल था ना, ये देख ये आर्टवर्क मैंने बनाया ना, ठीक है ये सबसे मेरे बोलते, इसके बाद मेरे को एक कॉन्फिडेंस मतलब बोलते ना बूस्ट मिला कि हाँ मैं एक लेवल अप हो गया ऐसा समझा, तो तभी कैसे हुआ था ये इतना बड़ा वॉल हम लोग ने किया था, ठीक है 125 फीट है ये, और हाइट में भी बहुत बहुत बड़ा, तो ये हम लोग ने एक साथ बनाया था, और तभी ऐसा मैं सोचता था कि शिट मतलब लाइफ का सबसे फर्स्ट इतना बड़ा वॉल में कर रहा हूँ, और मेन बात तो क्या देख के मैं पागल हो गया था ना, ये देखिए ओ फैश इतना जन्नत कर, ब्रो, हाँ इतना कैंस मतलब मैंने लाइफ में कभी देखा नहीं था सामने, ठीक है, और ऐसा लग रहा था कि बाहर में गया ये बॉल लेके चलो सब लोग घर पे बांट लो अपना अपना, फिर भी ये बहुत एक्स्ट्रा ही था देखने का, तो एक्स्ट्रा ही मंगाया था, वो लोग नहीं ऑर्डर किया था सब, ये क्रोमोसोम्स तो जरूरत भी नहीं था, फिर भी मंगाया था वो ट्रेन वेन पे करने वैसा था, और ये देख के मैं एनिमी वाले तो पागल हो गया, एनिमी तो फुल शॉर्ट करने भी बैठा है, सब पहले शॉर्ट कर रहे थे, और तभी फिर ये हम लोग ने कैसे किया था, ये प्रोजेक्शन से किया था, प्रोजेक्ट किया था क्योंकि इतना बड़ा वॉल है तो अपने को स्केच करने जमता नहीं, तभी मैंने फर्स्ट टाइम प्रोजेक्टर से भी किया था, व्हाट इज लाइक प्रोजेक्टर प्रोजेक्शन? को प्रोजेक्शन क्या होता है? अरे प्रोजेक्टर लगा के, मतलब बेसिकली क्या होता है अभी ये इतना बड़ा वॉल है ना, अभी कैसे होता है अगर मेरे को छोटा वॉल करना रहता है ना तो मैं अब पे दूर जाके देखता हूँ, फिर मेरे को समझता है कि ये थोड़ा मैसअप हो गया है, तो मैं वापस आके करेक्शन करता हूँ, बट बड़े वॉल पे क्या होता है ना तेको ऊपर चढ़ना है, फिर तेको नजदीक से कुछ नहीं समझता, कुछ भी नहीं, तेको उतरना है वापिस पीछे जाना है देखना है क्या, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाता है स्केच वेच करने, तो अभी तो डूडल ग्रिड करके एक टेक्निक है जो सबको पता है, जो लोग यूज करते हैं मैं भी यूज करता हूँ, उससे बहुत ईजी हो गया है कोई भी
प्रोपोर्शन में कितना भी बड़ा वॉल हो विदाउट प्रोजेक्टर्स पेंट करना भी इसमें इजी हो गया। बट ये टाइम पे क्या हुआ था, वो लोग जो है ना ब्राजील के जो थे बुयू वगैरह, वो लोग ने प्रोजेक्ट इस पे अपना लैपटॉप पे इसके वॉल के सामने लैपटॉप और प्रोजेक्टर रखते हैं और प्रोजेक्ट करते हैं आर्टवर्क, और फिर रात को करना पड़ता है। और जो फिर देखो लाइन आउटलाइन दिख रहे हैं अभी उसमें देखेगा सब आउटलाइन मैंने मार्क करके लिए। ओह समझा, ओह शिट, ओके ओके, गॉट इट, फक। एंड अभी लाइक क्या, अभी डूडल टेक्निक क्या है तू बोल रहा था, अभी कैसा होता है? ये देखिए मैं डूडल्स बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, डूडल्स मतलब रैंडम अपन कुछ भी बनाते हैं वॉल पे, जिससे देखो एक ग्रिड मिल, अभी देख रहा है तू ये कैसा, मेरे को एक ये मिल गया। तो अभी मैं इसका फोटो लूंगा और मेरे आईपैड या फोन में इस ये फोटो के ऊपर वो डिजाइन डालूंगा और ओपेसिटी कम कर दूंगा। तो उससे क्या होता है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ समझा, तूने मतलब इसका पिक्चर क्लिक किया उसके बाद तूने आईपैड में डाल के उसका ओपेसिटी कम करके तू मतलब इसके ऊपर मैंने दूसरा फोटो डाला और उसका ओपेसिटी कम किया। तो मेरे को है ना एक ऐसा ये देखो एक्चुअली वो बेब इस पे ना फिर मेरे को मिल जाता है कि किधर मेरा कौन सा लाइन आने वाला है। इस पे मैं डूडल्स बना रहा हूँ, ठीक है। पीछे मैंने वो फोटो डाला है कैनवस का जिसपे मैंने डूडल्स बना, अभी मैं इसका ओपेसिटी कम करूंगा। देख समझा, अभी मेरे को समझ रहा है कि इधर कौन सा लाइन आएगा, वो सर्कल के आंख के उधर उसका, सर्कल के उधर उसका आंख आएगा, ट्रायंगल के यहाँ से लिप्स का लाइन जा रहा है, समझा? Got it. तो ये देख के मैं स्केच करूंगा फ्री हैंड। तो उसमें भी यही हो गया कि अभी मेरे को ऐसा देखना है कि सर्कल के टाइम, अच्छा सर्कल के साइड से आ रहा है लाइन, तो साइड से ड्रॉ करना है। ट्रायंगल के उधर उसका नाकर है ऐसा, तो बेबी के यहाँ पे उसका लिप आ रहा है, बेसिकली ऐसा दिखेगा पूरा, समझाना देखो। तो वो टेक्निक है। Fuck bro, fuck. तो अभी प्रोजेक्शन वाला नहीं यूज करते, अभी यही यूज करते हैं। प्रोजेक्टर नहीं हम लोग यूज करते, प्रोजेक्टर कभी यूज करते जब भी कोई कमर्शियल काम में अगर हाई रहेगा या फिर समझा ना, अगर किया मैंने जैसे अभी कोई बड़ा वॉल रहेगा ज्यादा और क्लाइंट को घाई है तो वो करते, वरना हम लोग यूजुअली ऐसा प्रोजेक्टर यूज नहीं करते। अगर काम फटफट करना रहेगा तो प्रोजेक्टर, बाकी अपन जो नॉर्मल पेंट करते उसमें प्रोजेक्टर यूज नहीं करते, अगर मोस्टली कमर्शियल प्रोजेक्ट और अगर बड़े प्रोजेक्ट आएंगे तो ही, वरना पूरा फ्री हैंड ही होता है। अभी जो गोकू वेजिटा बनाया था वो सब पूरा फ्री है। ब्रो बट हाउ डिड यू लेवल अप सो मच ब्रो, वहां के आर्ट पीस से फटफट इतना लेवल अप कैसे को रियलाइज, मतलब खुद पे भी ऐसा होता है ना कि समझ रहे हैं? अरे मैं तेको बोल रहा हूँ ना कि ये जब मैंने किया था ना ये, ठीक है, तो ये मेरे लिए खुद के लिए एकदम कॉन्फिडेंस बूस्ट था भाई। तभी वो टाइम पे मैं ना लिटरली ये वॉल करने वाला था ना, वॉल के सामने बैठा हम लोग ये तीन चार दिन में किया, रात को करते थे हम लोग पेंट। और ब्रो आईआईटी में हम लोग इतना मजा करते हैं ना, देखो अभी इसका वीडियो दिखा दो, मैं जस्ट बन करके इधर का वीडियो दिखा दो, हम लोग ने क्रिकेट ब्रो थ्रू किया था ये पूरा काम। तो ऐसे हम लोग ऐसा जाके मैं ऐसा बैठा हूँ और वॉल देख रहा हूँ ब्रो, रात में ऐसा पूरा वॉल देख रहा हूँ, सिर्फ मेरा नहीं, इक्का तो पीस और भी बापता है, नहीं भी बहुत सही बना। और बुयू ये पूरा बैकग्राउंड बुयू ने बनाया, मतलब उसने बोला था कि सब लोग अपना बैकग्राउंड बनाओ, पर फिर सबका क्वालिटी अलग अलग हो जाता है, इसलिए उसने हेल्प किया सबको बैकग्राउंड बनाने। और एक एक लेवल बेसिकली हम लोगों ने ऐसा स्पेस एक्सपीडिशन दिखाया, स्पेस का तू देखेगा तो तेको एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग का कॉन्सेप्ट ऐसा कि मॉन्स्टर्स वर्सेस ह्यूमंस, ठीक है, इधर सब तू देखेगा ना तो ये देखिए दो ह्यूमंस है और ये वो पीछे एलियन इसने बनाया था लॉबस्टर ने, उसका लास्ट मोमेंट में हम लोग का हो गया था कि पूरा पीटी के उधर बना। हम लोग का कंसेप्ट ऐसा था बीच में आईआईटी का, मतलब बीच में आईआईटी का लोगो आएगा और एक साइड से ह्यूमंस है और एक साइड से मॉन्स्टर है, तो ये देखने तो एकदम बम बना, देखने प्रेडिटर बनाया था और ये मैंने मार्शल मैनहंटर बनाया था, और सब दोनों का बैटल समझा, ऐसा वॉल था और बहुत सही लग रहा था। तो ये अभी दूसरा वीडियो देखे था आप है ना, सही वीडियो
ये वीडियो इसने बनाया, उमेश करके एक बंदा है, बहुत सही वीडियो था। हाँ ब्रो, या तुम लोग क्या कैंस लेके भाग रहे थे क्या वो? अरे हम लोग है ना पूरा कैंपस है ना एक्सप्लोर करते थे, और मेन बात आईआईटी का एकदम सबसे भारी बात बता देखो, अभी आईआईटी हम लोग ऑलमोस्ट 4 साल से जा रहे हैं, ठीक है ये साल अभी नहीं हुआ 2 साल, बट तो उधर क्या सीन है ना, उधर है ना फॉरेन आर्टिस्ट को अलग ट्रीटमेंट मिलता है और इंडियन आर्टिस्ट को अलग ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है फॉरेन आर्टिस्ट को अच्छा रूम्स मिलेगा और अच्छा खाना वाना वो लोग के, और हम लोग को ऐसा बोलते हैं मेस में आके खाओ, हम लोग तो मेस में खाने वाले है नहीं, ठीक है हम लोग जानबूझ के क्या करते हैं, हम लोग मेस का टाइम स्किप कर देते हैं, हम लोग सो जाते हैं मेस के टाइम, क्योंकि मेस का टाइम लिमिटेड रहता है। तो अभी कैसा हुआ ना, उधर H1 करके कैंटीन है, उधर के ना कैंटीन वाले के साथ हम लोग का फुल पहचान हो गया रे, मतलब एकदम फुल, वो भी मराठी है, दोनों मराठी फुल मेवाड़ी में एकदम बाल ओह बाल में फुल पहचान हो गया, तो हर साल आते अरे आलत का कायम हो वैसे। और फिर अभी हम लोग जो भी हम लोग का कोऑर्डिनेटर रहता है ना आईआईटी का, उसको हम लोग बोलते हैं कि ब्रो हम लोग देख हम लोग मेस का खाना नहीं खाएंगे, हम लोग कैंटीन में खाएंगे, तो तू हम लोग का उधर बात करवा के दे कि ये लोग जो भी मंगाएंगे सब ऐड करो हम लोग के बिल में। उधर कुछ 3:30 या 4 बजे तक खुला रहता है रात को, और हम लोग रात को ओह, मस्त ट्रेन करते, और फिर कोल्ड कॉफी ये वो मुड़ाई मैगी, के टाइम है? मुड़ाई नहीं टेक फेस्ट में किया है मैंने, हम लोग अच्छा अच्छा ओके मुड़ाई ओके का कोई और आर्टिस्ट का मुड़ाई का आया था, बट उन लोगों का फिर पेंट्स का इशू हो रहा था तो किसी और नहीं किया, बट फक ब्रो फक, आईआईटी बॉम्बे अरे ब्रो, कैंपस पूरा भा हम लोग फुल एक्सप्लोर करते थे ब्रो रात को ऐसा इधर उधर चल चले, और रात को ठंडी भी लगता है मस्त, बूढ़ी बूढ़ी बन के हम लोग खाने को पूरा लेके आते थे वॉल पे, चीज मैगी उस मैगी एक को भेजते थे कि लेके आ, हम मस्त खा रहे फक फिट फक रहे फक ब्रो, खाना वाना यस बना यस के, फुल शिट अलग ही भाई मजा आ ब्रो, रहा रात को था। अमेजिंग ठंडी होती है वहां पे, पता नहीं हाँ कैसे हम बहुत लोग बहुत डिसेंबर में वो बहुत मुड़ाई था, रात वही, को 1:30-2 बजे वो टाइम परफॉर्म करके निकले थे, फक वाट लग गई थी अरे हम उधर। लोग फुल हुडी हुडी पहन के, हम लोग रात को पता है हम लोग लिटरली वो लिंकिन पार्क का रैप वैप करके गाना वाना के फुल मतलब हीट अप हो रहे थे, जस्ट ऐसा नाच वाच रहे थे, जस्ट बॉडी वार्म रखने फुल ठंडी, और हम लोग उधर ओह क्या गादी वादी डाल देते थे, तो उधर ही मस्त सो भी जाते थे ऐसा पेंट अंदर ओह में शिट 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 ब्रो, ओपन क्रेजी है ये किचन एरिया, है। मुझे पता है यहाँ पे पीछे वो भी है। हाँ तो हम लोग इधर ही नारियल इतने को समझेगा वॉल के सामने ही ना इधर नारियल का झाड़ है साइड में, हाँ। उसके नीचे हम लोग गादी डाल के हम लोग मस्त ऐसा ओ सो फक जाते थे, ब्रो, फक 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 ब्रो, और यहाँ पे सही। प्रैक्टिस भी होता है ना मुड़ा के टाइम, ऐसा वॉल के सामने ही हम लोग प्रैक्टिस अभी अभी होता लास्ट लास्ट टाइम हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाया था, मैं और एनिमी थे उस टाइम, हम है। लोग मॉन्स्टर का काम कर रहे थे इसलिए गए थे, तो प्रैक्टिस उधर वो लोग सब प्रैक्टिस वैक्टिस कर रहे थे, वैक्टिस कर रहे थे। अरे मैं एनिमी को भी रखना चाहिए था, मैं बुलाना चाहिए था उसको भी। शिट मैन, चल ठीक है, नेक्स्ट टाइम को ध्यान रखूंगा। क्रेजी भी नेक्स्ट टाइम एक काम करते हैं ना हम दोनों दोनों का कुछ और करते हैं अच्छे से। हाँ, डन डन डन। आईआईटी मुंबई का हर साल का बहुत सही रहता है ब्रो, मस्त रहता है हम लोग एक्सपीरियंस, लास्ट टाइम हम लोग थोड़ा बोर हो गए थे, एक बात क्या बताया आईआईटी मुंबई का कि हम लोग हर टाइम ना नए आर्टिस्ट लोग को मिलते हैं, और हम लोग का एकदम सही फ्रेंडशिप हो जाता है ब्रो सही, और वो लोग अभी भी टच में रहते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू पता है, और तभी हम लोग बोल नहीं सकते पता है ना, अपने को जब नए लोग मिलते हैं और फिर एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है, और और हाँ फिर जब अपने को निकलना पड़ता है 1 हफ्ते बाद तो ऐसा लगता है ना कि शिट यार इतना एंजॉय राइट, किया, और तो सब और वो लोग सब फॉरेन आर्टिस्ट लोग मिल रहे हैं, और वो लोग का एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बता देना बहुत सही लगता है, तो ओह वो एक शिट आईआईटी यार, का बहुत सही रहता है कि यू गेट टू कनेक्ट विद तो न्यू एवरी टाइम यू गाइस कोलैबोरेट विद द फॉरेन आर्टिस्ट आईआईटी में? हाँ कोलैबोरेट एज इन कैसा रहता है ना, देख आईआईटी कैसा है ना आईआईटी डजंट पे फॉर दिस वॉल्स, ठीक है वो लोग कैसा, वो लोग बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है ऐसा ऐसा, हम लोगों ने पैसा मांगा है, बट अगर कमर्शियल जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट टाइम मॉन्स्टर के थ्रू किया था, तो मॉन्स्टर हैड पेड अस क्या ऐसा, तो यूजुअली ऐसा होता है आईआईटी हम लोग को कैंस वैंस देता है, तो कैंस में भी अभी वो लोग बहुत रोते कभी कभी, तो हाँ फॉरेन आर्टिस्ट लोग मंगाते तो लोग को देना पड़ता है, क्योंकि फॉरेन आर्टिस्ट फ्री में आ रहे हैं कुछ कुछ लोग, मेरे को तो ऐसा मतलब वो लोग शायद फ्लाइट भी नहीं देते आई गेस, मैं क्या शायद बात कर रहा है भाई, हाँ क्या नहीं देते, पॉसिबल ही नहीं है कि फॉरेन आर्टिस्ट अरे फ्री में आए। अरे आते हैं बहुत लोग आते हैं, क्योंकि मैंने हम लोग ने बात किया था ना बुयू बुयू अभी इस टाइम आ रहा था ना, तो उसने बोला था कि ऐसा ऐसा हम लोग का फ्लाइट स्पॉन्सर करो, तो वो लोग ने बोला था हाँ हाँ बोला, बट बाद में नहीं किया, कौन आते हैं बताए जो लोग को एक्सप्लोर करना रहता है, बेसिकली कोई भी आर्टिस्ट रहता है ना ग्राफिक आर्टिस्ट, उसको दूसरे कंट्री जाना जाने मिलता है ना, तो लोग पेंट वेंट करने ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं वो साइड, तो ऐसे रहता है वो लोग फॉरन आर्टिस्ट जब इंडिया आते हैं तो लोग का एक ग्राफिटी टूर रहता है, वो लोग को घूमना भी और पेंट भी करना है वैसा, तो वैसा वो लोग के लिए इधर पेंट वेंट भी मिल रहा है, एक आधा काम वो लोग का हो जा रहा है, वो समझा लोग उनके समझा एक्सपेंस समझा पे आ भी समझा, जाते हैं, फक वो फक लोग फक देते रहेंगे ऑब्वियसली, बट मैंने मेरे को ऐसा मैंने एक दो आर्टिस्ट सुना है कि नहीं देते हैं जो लोग खुद से आए। समझा समझा समझा, डैम स्कैम स्कैम। ओके गाइस, दैट्स पार्ट वन, एंड आई होप कि तुम लोगों को ये चीज़ पसंद आया हो। नाउ स्टे ट्यून फॉर पार्ट टू, बहुत जल्दी आने वाला है पार्ट टू।